Hello everyone, I welcomes you in this video lecture which is on application of partial derivative। इससे पहले हम लोगों ने partial derivatives discuss कर लिए हैं और उसको details में how to find the partial derivative or the function of several variables उसको discuss किया है। अब हम उसके कुछ applications यहाँ पर discuss कर लेते हैं। Basically real life applications तो बहुत सारे applications हैं जो आप partial derivatives की help से use कर सकते हो partial derivatives का। बट यहाँ पर हम कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज पार्शियल डेरिवेटिव एज द स्लोप। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज पार्शियल डेरिवेटिव एज स्लोप। बेसिकली ये जो पार्शियल डेरिवेटिव एज ए स्लोप हमने वर्ड यूज किया है, हमारे पास हमने वन वेरिएबल की जो प्रॉब्लम थी y इक्वल्स टू एफ एक्स, वहाँ पर हमने स्लोप की बात की। से हमारे पास सपोज ये फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, रफली कोई इसका ग्राफ हम समथिंग लाइक दैट ड्रॉ कर लेते हैं। एक आर्बिटरी कोई पॉइंट पिकअप कर लिया, से समथिंग दिस पॉइंट इज p, और इस पर अगर हम स्लोप की बात करें तो हमें क्या करना होता है कि इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं विच पासिस थ्रू या विच टचेज द कर्व एट दैट पॉइंट P। ये आप एक यहाँ पर जो लाइन है उसको ड्रॉ कर देते हैं एंड दिस लाइन इज बेसिकली नोन एज द टेंजेंट लाइन। एंड दिस लाइन जो भी आपके पास एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रही होती है, दिस एंगल बेसिकली डिफाइंस द स्लोप। तो कुछ यहाँ पर भी हमारे पास अब पार्शियल डेरिवेटिव के केस में भी इसी तरीके की कुछ सिचुएशंस हैं, बट यहाँ पर हमारे पास फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल है तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी होंगी, जैसे हमने डेफिनेशंस के अंदर यूटिलाइज किया है। सेम सिचुएशंस हमारे पास एप्लीकेशंस पर भी हैं। तो अगर हमारे पास सपोज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल गिवन है, से मे बी जेड इक्वल्स टू एफ एक्स बाई, तो उस पर हमें यहाँ पर अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप सिंपली हमारे पास अब वन वेरिएबल पर हमने यहाँ पर डिफाइन किया, एक जो टेंजेंट लाइन है उसको हमने वन वेरिएबल पर डिफाइन किया। तो समथिंग यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है आवर फंक्शन इनटू ए वन वेरिएबल। अब अगर सपोज करिए यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, मीन्स कांस्टेंट कर दूँ। अगर सपोज मेरे पास y को यहाँ पर फिक्स कर लिया जाए समथिंग एट एनी स्पेसिफिक वैल्यू, दिस इज द फिक्स, इट मीन्स y इज ए कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी। अब हमारे पास जो ग्राफ है, सरफेस है, ये सरफेस अब बेसिकली एक पर्टिकुलर y के कॉरस्पॉन्डिंग आप ड्रॉ कर रहे हैं। सो द ग्राफ इज ओनली इन एक्स एंड जेड। तो ये जो ग्राफ आपके पास बेसिकली रह गया, दिस इज ए सिंगल दिस इज ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन विच इज ए कर्व। तो जो ग्राफ ऑफ जेड एंड एफ एक्स सब बचता है, दिस इज ए कर्व, और कर्व पर आप इजीली स्लोप्स को फाइंड कर सकते हैं। कैसे आपने ऑब्टेन किया था, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स निकाला था, सो सेम वे यहाँ पर आपको स्लोप मिल जाएगा। सो अगर जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो बेसिकली दिस वन रिप्रेजेंट्स द स्लोप अब ये स्लोप आपको, जैसे यहाँ पर तो कोई आपके पास मोर देन वन एक्सिस थी नहीं, तो कोई क्वेश्चंस आपके पास रेज नहीं होता था। स्लोप आप एक्स एक्सिस से यहाँ पर मेजर कर लेते थे, बट यहाँ पर आपके पास अब कंडीशन है, आपने एक वेरिएबल को कांस्टेंट करके इसको सॉल्व किया है। इट मीन्स जो वेरिएबल आपने कांस्टेंट किया है वो वेरिएबल आपका कहाँ कांस्टेंट हुआ है, एक्स वाई जेड, थ्री एक्सिस आपके पास है, दिस इज द से x, दिस इज द से y, दिस इज द z। तो x और y कंटेन करने वाला प्लेन इज नोन एज द एक्स वाई प्लेन, x और z को कंटेन करने वाला एक्स जेड प्लेन, y z को कंटेन करने वाला y z प्लेन। तो इसमें आपने क्या कर रखा है, अब आपके पास ये जो y है, y आपका कांस्टेंट हो गया। तो अब y आपके पास किस पर्टिकुलर प्लेन, आपके पास एक्स जेड जो बच गया है जिसके अंदर आप वर्क कर रहे हैं, जो थ्री डायमेंशनल सरफेस था, दिस वन रिड्यूसेस इनटू द टू डायमेंशनल प्लेन। आपके पास टू डायमेंशंस में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर इसी को डिस्कस करना है बेसिकली कि जो डेल जेड ओवर डेल एक्स है ये आपका स्लोप कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास जो स्लोप है डेल जेड ओवर डेल एक्स, आप यहाँ पर y को फिक्स कर चुके हैं, मीन्स y जहाँ जहाँ पर भी आपके पास आ रहा है उनमें तो y वेरी कर रहा होगा, इसके अंदर भी y वेरी करेगा, y यहाँ पर भी वेरी करेगा, बट इनसाइड दिस प्लेन y should be constant. यहाँ पर y की एब्सेंस है, इट मीन्स दिस इज द फिक्स्ड. सो डेल जेड ओवर डेल एक्स जो आप स्लोप निकाल रहे हैं, दिस वन बेसिकली रिप्रेजेंट द स्लोप पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन. तो जो भी आपका यहाँ पर कर्व होगा वो आप एक्स जेड प्लेन के अंदर वर्क कर रहे हैं. अब एक्स जेड प्लेन एग्जैक्टली हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए हमने वर्ड यूज़ कर लिया है पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, क्योंकि वाई हो सकता है आपके पास जीरो हो, वाई हो सकता है किसी एक सर्टेन पॉइंट पर फिक्स हो रहा हो. सो इसीलिए हम वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं पैरेलल प्लेन. ठीक है, अदरवाइज हम डायरेक्टली कह सकते थे कि एक्स जेड प्लेन के अंदर है. ओके, सो एक एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं. इसी तरीके से हम दूसरा जो हमारे पास डेरिवेटिव है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं. सॉरी, दैट सेकेंड डेरिवेटिव इज डेल जेड ओवर डेल वाई. दिस वन बेसिकली रिप्रेजेंट्स स्लोप पैरेलल टू. अब यहाँ पर x आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए. x आपके पास कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है? इसके अंदर, तो इसको नहीं ले सकते, इसके अंदर भी है. सो दिस इज द जेड वाई प्लेन, दिस इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन और जेड वाई प्लेन. तो इस तरह से इनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो स्लोप आप यूज कर रहे हैं एज द पार्शियल डेरिवेटिव, उसको किस प्लेन के अंदर आप डिस्कस करने की बात कर रहे हैं. हम अगर जीरो रखेंगे देन डेफिनेटली हम यहाँ पर जो प्लेन है पैरेलल वर्ड यूज कर रहे हैं, पैरेलल स्किप कर सकते हैं. बट जब तक हमारी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पर रहेगी, से y इक्वल्स टू हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू रख ली से 5, तो इट मीन्स आप 5 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन इन बाई डायरेक्शंस पे मूव कर रहे हैं. तो आपका जो प्लेन है वो एक्स जेड के पैरेलल प्लेन वहाँ पर ड्रॉ हो रहा होगा, और वो सरफेस, जिस सरफेस को आपने किसी पर्टिकुलर फिक्स y के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वो कर्व आपने प्रोड्यूस किया है इन दैट प्लेन विच इज एट y इक्वल्स टू 5 पर आपको जो मिल रहा है पैरेलल टू द एक्स जेड. सेम वे वाई जेड के लिए आपके पास है. एक इसका एप्लीकेशन अब देख लेते हैं. यहाँ पर आपको लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स जेड प्लेन एंड टेंजेंट टू द सरफेस जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई एट द पॉइंट 1, 3, 2. स्लोप ऑलरेडी हम पहले भी वन वेरिएबल का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेके आपको डिस्कस कर लिया है. स्लोप ऑलवेज डिस्कस एट एनी सर्टेन पॉइंट. तो यहाँ पर भी जो हमारे पास डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई है, दीज आर ऑल्सो डिफाइंड एट ए सर्टेन पॉइंट्स. ओके, सो इस एग्जांपल में इसको इलस्ट्रेट करते हैं. आपसे पूछा गया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन दैट इज पैरेलल टू द एक्स जेड प्लेन. जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपसे बात की गई है पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन्स, दैट इज वी वांट टू फाइंड डेल जेड ओवर डेल एक्स. तो यहाँ पे लिख लीजिए स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन विच इज बेसिकली डेल जेड ओवर डेल एक्स एट एनी पॉइंट. तो ये आप यहाँ पर मार्क कर लीजिए एट पी. सो डेल जेड ओवर डेल एक्स एट. So what is the del z over del x? What is del z over del x from the given function? This is del z over del x. This is the function of two variables. So treat it one as a constant and x जो आपके पास है this is the differentiable function. So product rule यहाँ पर लगेगा. x को हमने रिटेन कर लिया 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस वाई. इनसाइड द फंक्शन का किया तो 1 प्लस इस बार हमने रूट एक्स प्लस वाई रिटेन किया और एक्स का किया 1. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी, व्हेन यू सिंप्लीफाइड दिस वन, दिस कम्स एक्स प्लस 2x प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई विच कम्स 3x plus 2y upon 2 under root x plus y. This is basically del z over del x at arbitrary point x comma y. Now we want to find the slope del z over del x at p. So substitute the value of p, which is, sorry, x and y values रखनी है 1 and 3. 1 and 3. So this is 3 into 1 plus 2 into 3 upon 2 under root 1 plus 3, which is the 3 plus 6 upon 2 under root 4 means 2, which is 9/4. तो ये आपने यहाँ पर एक एप्लीकेशन किया है which is as a slope which is the slope of the surface at a constant value of any variable. Another applications also given partial derivatives as the rate of change dy over dx. जैसे आप rate of change या dy over dt यूटिलाइज करते हैं, सेम उसी तरीके से अब आपको यहाँ पर और एप्लीकेशन दिया गया है. सो यहाँ पर इसको मैंने जो बुक है उसे यहाँ पर नोट डाउन करने की कोशिश की है. यहाँ पर आप नोटिस भी कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज. सेम वे जैसे आपने टेंजेंट स्लोप की बात की है, इसी तरीके से आप पार्शियल डेरिवेटिव्स एज द रेट ऑफ चेंज भी इंट्रोड्यूस करते हैं. एक एग्जाम्पल भी हमने फर्दर डिस्कस किया है यहाँ पर. So partial derivative as the rate of change. अब आपको जस्ट यहाँ पर भी आप पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑब्टेन करेंगे. आपको चेंजेस हमने डेफिनेशंस में डिस्कस कर लिया था कि हाउ द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड. सो अगर आपको चेंजेस इन एक्स डायरेक्शन चाहिए, इट मीन्स वी वांट टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज डेल जेड ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल एक्स एट एनी पॉइंट से पी नॉट. तो वो आपको यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं. इसने यहाँ पर मेंशन भी किया था फंक्शन एफ एक्स बाई चेंजेज एट द रेट गिवन बाई एफ एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज इन द पॉजिटिव बाई डायरेक्शन. तो इसको यहाँ पर एक एप्लीकेशंस के तौर पर देख लेते हैं. द गिवन प्रॉब्लम इज इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ ऑफ ई वोल्ट एंड रेजिस्टेंस आर ओम्स. द करंट आई इज करंट आपको यहाँ पर डिफाइन की गई है I which is E over R. फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव. ओके यहाँ पर तो इसने डायरेक्ट लिख रखा है डेल I अपॉन डेल E एंड डेल I अपॉन डेल R एट द इंस्टेंट मीन्स जो आपका पी नॉट पॉइंट था बेसिकली विच इज E इक्वस टू 120 एंड R इक्वस टू 15 ओम. तो आपको इस पर ये वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके तो अब डेल आई अपॉन डेल ई ऑब्टेन कर सकते हैं. आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर सकते हैं. ओके सो फ्रॉम 1 फाइंड डेल आई ओवर डेल ई. सो ये आपके पास नोमरेटर के अंदर है. सो इसमें आपको 1/r एज इट इज रखना है और आपको ई का डिफ्रेंशिएशन करना है. तो आपके पास हो गया ई का 1/r इज कॉन्स्टेंट. तो दिस इज डेल आई अपॉन डेल E which is 1/r. अब ये 1/r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो which is 1/15. तो ये आपके पास यहाँ पर चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू EMF आपको मिल गया. इसी तरीके से आप डेल I अपॉन डेल R कर सकते हो. अब R आपके पास डिनोमिनेटर में है तो E आपका कांस्टेंट है. सो R का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो ये हो गया -2 विद माइनस साइन दैट इज -E अपॉन R स्क्वायर. और इसकी वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे 120 अपॉन 15 इंटू 15 विच इज -8 अपॉन 15. अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख रहे हैं डेल आई अपॉन डेल ई इज पॉजिटिव बट डेल आई अपॉन डेल आर इज नेगेटिव. इसको बड़े ईजिली आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपके पास चेंजेस हैं करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंक्रीजेज but current due to the resistance is basically decreases. This negative sign basically represents the decrement of the current. और obviously जो physics जिन लोगों ने 10+2 स्टैंडर्ड पे की होगी, आपके पास जो resistance है उसमें electric current का loss होता है. सिंपल मुझे अभी टेक्निकल वर्ड याद नहीं आ रहा है. तो वहाँ पर आपका करंट का लॉस होता है. सो जैसे जैसे आप जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना करंट आपका लॉस होता चला जाएगा. वही यहाँ पर आप नोटिस भी कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो करंट है वो आपकी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस। सो आज इतना ही रखते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था और इनको अच्छे से समझ लीजिए। देन अब हम फर्दर जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, मोर एप्लीकेशन से इन द टेंजेंट प्लेन एंड आपके पास इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस ऑफ द फंक्शंस, इंक्रीमेंटल अप्रॉक्सीमेशन समथिंग, उनको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर।